बलरामपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आज बुधवार तड़के लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक मिनी ब्रांच संचालक से लूट, कट्टे और हॉकी के दम पर अपराधियों ने 1.80 लाख रुपए की लूट वारदात को अंजाम दिया। मिनी ब्रांच संचालक को हॉकी से पीटकर बैग सहित बैंक की पासबुक भी छीन ली, जिसमें कागजात और अन्य चीजें भी मौजूद थी। घटनास्थल पर एएसपी व सीओ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बता दें, थाना तुलसीपुर में बेहोला गांव की ये पूरी घटना है। आज सुबह हम 6 बजे अपने आवास से अपने बीसी सेंटर जा रहे थे। मैं इलाहाबाद बैंक का बैंक मित्र हूँ और रास्ते में करीब 6-6.25 के बीच में 4 लोग सफ़ेद कार से गए और मुझे असलाह दिखा के और मेरा धक्का मार के मेरी गाड़ी गिरा दी मोटरसाइकिल, और मुझे हाकी से मेरे सर पे 3-4 बार किया गया और असलाह दिखा के मेरा बैग भरा पैसा और ये कागजात बैंक के सब ले लिए। ये आज सुबह एक सीएसपी संचालक हैं, तुलसीपुर में रहते हैं, मूलतः रहने वाले गोरा चौराहे के हैं, और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके साथ बेलोहार गांव के पास में लूट की घटना कारित की गई है। मौके का निरीक्षण आदि करने के बाद उनके तहरीर पर अभियोग थाने पर पंजीकृत करा दिया गया है और इसमें अग्रिम जाँच की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।